7 जून संकटी चतुर्थी बुधवार के दिन के बहुत ही अचूक उपाय। दोस्तों श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर संकटी चतुर्थी जो कि बुधवार के दिन पड़ रही है और बुधवार के दिन के बहुत ही अचूक उपाय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियाँ दूर होती हैं, साथ ही बल बुद्धि विद्या आपको प्राप्त होती है। दोस्तों आइए हम आपको पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से इस उपाय के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इन उपायों को करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश की कृपा से माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस उपाय को किस तरीके से और किस दिन करने से आपकी तमाम तरह की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। दोस्तों देखिए, अगर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा धन की समस्या से परेशान रहते हैं तो आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस उपाय को जरूर करना चाहिए। इस उपाय को आप किसी भी बुधवार के दिन वैसे कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों 7 जून को बुधवार का दिन बहुत ही खास दिन होने जा रहा है क्योंकि इस दिन संकटी चतुर्थी है। तो देखिए आप इस उपाय को रात्रि 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है। जब आपका मन करे तभी आप इस उपाय को करें। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करने, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। साथ में आपको 2 दुर्वा लेनी है, जो घास होती है उसके 2 पेड़ आपको लेने होंगे, ठीक है। अब देखिए आपको 1 लोटा जल लेना है, जो कि आपको तांबे का लोटा लेना है, और उस लोटे में आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है। अब उस लोटे में आपको दोनों दुर्वा को डाल देना है। साथ में आप 1 तिल के तेल का दीपक लें, या फिर हो सके तो आप देसी का दीपक भी ले सकते हैं, लेकिन उस दीपक में आपको लंबी वाली बाती का इस्तेमाल करना है। साथ में आप 1 बेलपत्री ले लें, ठीक है। बेलपत्री कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आपको इन सारी सामग्री को अपने घर के पास किसी भी शिव मंदिर में लेके चले जाना है, जहाँ पर शिवलिंग हो, ठीक है। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले भगवान गणेश वाले स्थान पर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। अब देखिए भगवान गणेश का स्थान कौन सा होता है पता है, जहाँ पर शिवलिंग होती है, ठीक है, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है, और जहाँ से जलाधारी बहकर नीचे की तरफ आती है डंडी वाला भाग होता है अशोक सुंदरी का, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के सीधे हाथ की तरफ भगवान गणेश का स्थान होता है, ठीक है, और उल्टे हाथ की तरफ कार्तिकेय का स्थान होता है। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा कार्तिकेय जी के स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित कर देना है। जब आप जल अर्पित करें तब आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें, फिर थोड़ा सा जल आप माता पार्वती के हस्तकमल पर अर्पित कर दें, और फिर उसके बाद थोड़ा सा जल आपको अर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। जब आप 5 जगह पर जल अर्पित करें तब आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर करना है। अब देखिए उसके बाद जो आपने दुर्वा ली थी, ठीक है, वो दुर्वा अगर आपके जल चढ़ाते समय किसी देवी या देवता के ऊपर चढ़ गई हो, जैसे कि माता पार्वती के अस्तकमल पर या कार्तिकेय जी के अस्तकमल पर या फिर गणेश जी के अस्तकमल पर, तो वहाँ से आपको उसे उठाना है। अगर नहीं चढ़ी है, आपके लोटे में ही वो रह गई है, तो आपको लोटे में से निकाल कर उसे भगवान गणेश वाले स्थान पर अपनी कामना को कहते हुए वहाँ अर्पित कर देनी है। अब आपको 1 दीपक, जो आप दीपक लेके गए थे, वो दीपक आपको शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर देना है, और दीपक को प्रज्वलित करके आप कुछ देर के लिए बैठ जाएँ और श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और भगवान गणेश का ध्यान करें, ठीक है। उसके बाद जो आपने बेलपत्री ली थी, उस बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। देखिए बेलपत्री जब आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं तो आपको उसका डंडी वाला भाग अपनी तरफ रखना है, और जो पत्ती वाला भाग है वो आपको अपने से विपरीत में रखना है, ठीक है। अब जो लोटे में आपके जल बचा हुआ था, उस जल को आपको पूरा बेलपत्री के ऊपर श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए चढ़ा देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। भगवान गणेश और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपकी तमाम तरह की मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के बाद आप अपने घर पर चले आएँ, बस इतना सा उपाय आपको करना है। दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया ये उपाय अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए।